जौनपुर शहर दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर मध्य भारत वाराणसी के पश्चिमोत्तर में स्थित है। जौनपुर शहर गोमती नदी के दोनों तरफ फैला हुआ है। जौनपुर का शाही किला और अटाला मस्जिद आज भी यहाँ की शोभा में चार चांद लगा रहे हैं। भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारत में जौनपुर अपनी कला एवं स्थापत्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। आज भी इत्र का व्यवसाय यहाँ पर बड़े पैमाने में होता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूपी तड़का में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जौनपुर के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं जौनपुर का संक्षिप्त इतिहास। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था। इसी कारण इस शहर का नाम जौनपुर रखा गया। 1394 के आसपास मालिक सरवर ने जौनपुर को सरकी साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। सरकी शासक कला प्रेमी थे। उनके काल में अनेक मकबरों, मस्जिदों और मदरसों का निर्माण किया गया। यह शहर मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की अनेक खूबसूरत इमारतें और अतीत की कहानियाँ कहती प्रतीत होती हैं। वर्तमान में यह शहर चमेली के तेल, तंबाकू की पत्तियाँ, इमरती और स्वीट मीट के लिए प्रसिद्ध है। UP 62, जिला जौनपुर 4038 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और 2011 जनगणना के अनुसार इस शहर की जनसंख्या लगभग 44,94,204 है। जौनपुर सड़क मार्ग से लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे 56 और स्टेट हाईवे 36 उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों को जौनपुर से जोड़ता है। जौनपुर में जौनपुर सिटी स्टेशन, सागन जंक्शन और केराकत स्टेशन नाम से 3 रेलवे स्टेशन हैं, जो भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। जौनपुर जंक्शन उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल का प्रमुख आय स्रोत वाला स्टेशन है। यह जौनपुर शहर के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह स्टेशन वाराणसी लखनऊ वाया फैजाबाद तथा औंडियार जौनपुर वाया केराकत रेलखंड पर पड़ता है। यह स्टेशन ए कैटेगरी स्टेशन में सम्मिलित है। जौनपुर जंक्शन 5 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। यह यात्री प्रतीक्षालय, ATM, भूमिगत सुरंग मार्ग इत्यादि से परिपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यहाँ लगभग 50 रेलगाड़ियों का ठहराव है। इनमें से कुछ प्रमुख ट्रेनें निम्न हैं: पटना कोटा एक्सप्रेस, सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लोकनायक एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस। अपने अतीत एवं विद्या वैभव के लिए सुविख्यात जनपद जौनपुर अपना एक विशिष्ट ऐतिहासिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अस्तित्व रखता है। जौनपुर के लिए टूर निश्चित रूप से एक रोमांचक और सुखद यात्रा है और निसंदेह पर्यटकों के लिए आजीवन अनुभव है। यह शानदार स्नेनिज के साथ एक खूबसूरत शहर है। इस शहर में पर्यटकों के आकर्षण की एक बड़ी संख्या है, जो पर्यटकों के लिए जरूरी है। इस शहर में कई सुंदर और आकर्षक स्मारकें हैं। जौनपुर में सभी स्मारकों में लोकप्रिय शाही ब्रिज और यमदागनी आश्रम है। यहाँ घूमने के लिए कई ऐतिहासिक और धार्मिक जगह हैं, जहाँ पूरे साल पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। जौनपुर में कई मकबरे, म्यूजियम और पवित्र स्थल भी हैं, जहाँ पूरे भारत से हर साल हजारों की तादाद में पर्यटक आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अतिरिक्त मान्यता प्राप्त शीतला माता चौकिया मंदिर की। शीतला चौकिया देवी का मंदिर बहुत पुराना है। शिव और शक्ति की उपासना प्राचीन भारत के समय से चली आ रही है। सर्वप्रथम चबूतरे अर्थात चौकी पर देवी की स्थापना की गई होगी, संभवतः इसीलिए इन्हें चौकिया देवी कहा गया है। देवी शीतला आनंदनयी की प्रतीक मानी जाती हैं, अतः उनका नाम शीतला पड़ा। आइए जानते हैं किन कारणों से जौनपुर प्रसिद्ध है। शाही किला नगर में गोमती नदी के तट पर स्थित इस दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह ने 1362 में कराया था। इस दुर्ग के भीतरी फाटक 26.5 फीट ऊंचा तथा 16 फीट चौड़ा है। केंद्रीय फाटक 36 फीट ऊंचा है। इसके ऊपर एक विशाल गुंबद बना है।
वर्तमान में इसका पूर्वी द्वार तथा अंदर की तरफ मेहराबे आदि ही बची हैं, जो इसकी भव्यता की गाथा कहती हैं। शाही पुल। तारीख मुहिम के अनुसार जौनपुर के इस विख्यात शाही पुल का निर्माण अकबर के शासनकाल में उनके आदेश अनुसार सन 1564 ईस्वी में मुइन खान खाना ने करवाया था। यह भारत में अपने ढंग का अनूठा पुल है और इसकी मुख्य सड़क पृथ्वी तल पर निर्मित है। पुल की चौड़ाई 26 फीट है, जिसके दोनों तरफ 2 फीट 3 इंच चौड़ी मुंडेर है। अटाला मस्जिद। सन 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने इस मस्जिद का निर्माण कराया, जो जौनपुर में अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए आदर्श मानी गई है। इसकी ऊंचाई 100 फीट से अधिक है। इसका निर्माण सन 1393 ईस्वी में फिरोज शाह ने शुरू कराया था। झजरी मस्जिद। यह मस्जिद मोहल्ला सिपाह जनपद जौनपुर में गोमती के उत्तरी तट पर विद्यमान है। इसको इब्राहिम शाह सरकी ने मस्जिद अटाला एवं मस्जिद खालिस के निर्माण के समय बनवाया था। जामा मस्जिद। जौनपुर में शाहगंज रोड पर पुरानी बाजार के निकट 200 फीट से भी ऊंचाई लिए हुए यह मस्जिद विशिष्ट सरकी कालीन उपलब्धि है। इब्राहिम शाह के जमाने में इस मस्जिद की बुनियाद पड़ चुकी थी तथा विभिन्न चरणों में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। जौनपुर के इस सफर का अंत यहीं पर करते हैं। जल्द ही मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। धन्यवाद।